ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पुल को बंद करने के बजरंग सेतु नव निर्माण में देरी को लेकर व्यापारियों का गुस्सा भड़क गया है। व्यापारी आरोप लगा रहे हैं कि निर्माण कार्य की डेडलाइन के बावजूद पीडब्ल्यूडी और निर्माण कार्य में लगी एजेंसी धीमी रफ्तार से काम कर रही है। इस देरी से उनका कारोबार चौपट हो रहा है, इसलिए लक्ष्मण झूला इलाके के व्यापारियों ने एकजुट होकर आंदोलन शुरू कर दिया है। मंगलवार को व्यापारियों ने पूरा लक्ष्मण झूला बाजार बंद रखा और लक्ष्मण चौक पर सरकारी विभागों के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले लक्ष्मण झूला इलाके के व्यापारियों ने सर्वदलीय संघर्ष समिति बनाकर शनिवार को बैठक भी की थी, जिसमें आंदोलन के लिए रणनीति तैयार की गई थी। आपको याद दिला दें कि लक्ष्मण झूला पुल जर्जर होने की वजह से खतरनाक हो गया था, इसलिए सरकार ने उसे स्थायी तौर पर बंद कर दिया था और लोगों को सहूलियत के लिए लक्ष्मण झूला पुल के बगल में बजरंग सेतु बनवाना शुरू किया। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल पंपिंग योजना के लिए धरने पर बैठे बड़कोट के लोगों ने पीएम मोदी को 300 पोस्टकार्ड पोस्ट किए हैं। बड़कोट के लोगों का कहना है कि धामी सरकार उनकी तकलीफों को नहीं देख रही है, इसलिए सीधे पीएम मोदी से ही अब पानी के लिए गुहार लगाई जाएगी। बड़कोट के 7 वार्ड के लोग महीने भर से तहसील परिसर में धरना दे रहे हैं। यमुना पेयजल पंपिंग योजना को मंजूरी देकर पानी की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने की मांग है। उधम सिंह नगर में विजिलेंस की टीम ने जिला आबकारी अधिकारी अशोक मिश्रा को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जिला आबकारी अधिकारी अपने ही ऑफिस में 70,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए। ठेकेदार की शिकायत पर हल्द्वानी से पहुंची विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की। विजिलेंस की टीम अब अशोक मिश्रा से पूछताछ कर रही है। T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के बाद अल्मोड़ा में अराजकता फैलाने वाले लोगों पर पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत की शानदार जीत के बाद अल्मोड़ा में 4 जगहों पर मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। एक धार्मिक स्थल पर उपद्रवियों ने बवाल किया था और आपत्तिजनक नारेबाजी की थी। पुलिस ने वायरल वीडियो और CCTV फुटेज की मदद से उपद्रवियों की पहचान की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हल्द्वानी में मौत बनकर खड़े हैं कई जर्जर भवन, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति कर दी और भवनों को खाली कराने के लिए ठोस कुछ भी नहीं किया। हल्द्वानी शहर में दर्जन भर ऐसे भवन हैं जो दशकों पुराने हैं और जर्जर हालत में हैं। ये भवन खतरनाक हो चुके हैं और कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग इनमें रह रहे हैं और इनमें दुकानें भी चल रही हैं, जबकि शहर में बारिश भी खूब हो रही है। जिला प्रशासन और नगर निगम भवन खाली कराने के लिए संचालकों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन भवन खाली नहीं किए गए। सवाल है कि ऐसे में अगर किसी तरह की कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। मसूरी हैम्पटन कोर्ट स्कूल क्लिप कॉलेज स्टेट के पास भारी भूस्खलन होने से एक मकान खतरे की जद में आ गया। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से मकान को खाली करने का नोटिस जारी किया है। परिवार को सुरक्षित स्थान पर भी शिफ्ट कर दिया गया है। मकान के मालिक के मुताबिक देर रात भारी बारिश के चलते उनके मकान के निचले हिस्से का पुश्ता गिर गया, जिससे उनके मकान को खतरा हो गया। मकान मालिक ने सीवरेज लाइन के लीकेज की समस्या उठाते हुए जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उत्तराखंड में मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुमाऊं मंडल में अगले 4 दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। गढ़वाल में 7 और 8 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। रेड अलर्ट वाले जिलों में अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल है, तो देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी में तेज बारिश का येलो अलर्ट दिया गया है। 5 जिलों में बारिश की वजह से स्कूल भी बंद करवा दिए गए हैं। मौसम विभाग ने नदियों किनारे रहने वाले लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाएं। यात्रियों से भी संभलकर यात्रा करने और पूरी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। संसद में हिंदुओं को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी और राहुल के विरोधी इसे हिंदुओं का अपमान बता रहे हैं और राहुल से माफी की मांग कर रहे हैं। राहुल के बयान का हरिद्वार के साधु संत भी कड़ा विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार से कई संतों ने तो राष्ट्रपति से राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने तक की मांग कर दी है। वहीं कई संतों ने राहुल गांधी को मानसिक रूप से बीमार बताकर उनका इलाज किए जाने की बात कही है। विरोध करने वाले संतों में बड़ा उदासीन अखाड़ा और जूना अखाड़े के संत शामिल हैं। इन संतों ने कांग्रेस को शुरू से ही हिंदू विरोधी बताया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मंगलौर विधानसभा सीट पर बीजेपी के उपचुनाव प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के लिए जुटाए वोट। मंगलौर की जैन गली में जनता के बीच पहुंचते हुए मदन कौशिक ने करतार सिंह भड़ाना को भारी बहुमतों से जिताने की अपील की। प्रदेश की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग होनी है। नतीजे 13 जुलाई को आएंगे।
लद्दाख टैंक हादसे में शहीद हुए सेना के जवान भूपेंद्र नेगी को पौड़ी के उनके पैतृक गांव में नम आंखों से विदाई दी गई। मंगलवार सुबह भूपेंद्र नेगी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बिशर्ड लाया गया। आखिरी दर्शन के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। इसके बाद पाबो घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ भूपेंद्र नेगी को अंतिम विदाई दी गई। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल भी भूपेंद्र नेगी को अंतिम विदाई देने पहुंचे। मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि भूपेंद्र नेगी पर पूरे देश को गर्व है और सरकार हर तरह से उनके परिवार की मदद के लिए खड़ी है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।